मैं अभी कार से आया तो मेरा ड्राइवर जिस रास्ते से मुझे लेके आया तो वहां पर रास्ते में मैंने एक जगह देखी जहां पर बहुत सारे लोग थे जिनको कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, सब लेटे हुए थे और किसी को कोई दुखी नहीं था, तकलीफ भी नहीं थी। वो एक्चुअली एक ईसाइयों का कब्रिस्तान था। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स और आप भी चाहते हैं कि आपकी दुख तकलीफ दूर हो जाए। अब कितने लोग चाहते हैं उनकी दुख तकलीफ दूर हो जाए? हाथ कैसे रैपिड नीचे गए सबके ना यार। प्रॉब्लम्स आर अ साइन ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। आपकी समस्या मैं खत्म कर दूं, कर सकता हूं, तरीका है। वो लेटा है उसको मार, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसके नाक में घुसंड मार, भूसा मार, तबा दे, तकलीफ होगी उसको, वो लेटा है, करे तो करे जा। तकलीफ हो गई उसी को जिसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। ट्रेनिंग का बहुत जरूरत है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि वो जो कोयला रहता है वो अंगीठी के अंदर गर्म रहता है, कोयला अंगीठी में गर्म रहता है, जैसे अंगीठी से बाहर निकलेगा ठंडा हो जाएगा। ऐसा समझो कि बहुत सर्दी पड़ रहा है कहीं, बहुत सर्दी पड़ रहा है और आप किसी रूम में हो, बाहर है -12 डिग्री, -14 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर, अंदर अलाव जल रहा है, अलाव समझते हैं आप लोग, आग जल रही है, बॉनफायर चला रखा है आप, उसमें लकड़ी डाल रखी है अंदर, और -15 डिग्री बाहर है, आप अलाव के पास बैठे हैं, आपको सर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी ना। जैसे जैसे अलाव से दूर होते जाएंगे सर्दी लगना महसूस होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बाहर जितना भी टेम्परेचर है अगर आप अलाव के पास हैं तो बाहर का टेम्परेचर आपका बाल भी बांका नहीं करता। क्या मैं ठीक हूं? तो ये अलाव ही है ये ट्रेनिंग, कि इसमें रहेंगे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, तकलीफ कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं उखाड़ता फिर वो। और सीखना जरूरी है क्योंकि बाहर बहुत सारे सवाल होंगे आपसे, जब तक आपको पता नहीं होगा जवाब क्या देना है आपको बहुत तकलीफ आएगी। वो एक बहुत पुरानी सी कहानी है कि एक आदमी ना आंख चेक कराने चला गया, बहुत जगह सुनाया मैंने, आंख चेक कराने गया तो वेटिंग थी तो सोफे पे बैठ गया, जो ऑप्टोमेटिस्ट था वो किसी आदमी की आंख चेक कर रहा था, तो उनके पास एक चश्मा सा रहता है ना जो खाली रहता है, तो उसने उस आदमी को चश्मा लगाया और उसमें एक शीशा डाला, अब दिख रहा है तुझे? तो बोला ना, तो उसने बोला शीशा निकाल के दूसरा डाला, बोला अब तुझको दिखता है? तो बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। अब ये बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसको, फिर उसने तीसरा डाला, बोला अब, कह रहा अब थोड़ा सा साफ हुआ है, फिर उसने चौथा शीशा डाला, बोला हाँ अब मुझे बिल्कुल दिखाई दे, तो उसने पर्ची बनाई कि बाहर चश्मा बना। अब ये गया, अब इसका नंबर था, ये तो देख रहा था बहुत देर से, अब उसको भी वो चश्मा लगाया जिसमें दो छेद थे, पहला शीशा डाला, तो तुझे दिख रहा है? बोले नहीं, तो उसने वाला निकाल के दूसरा डाल दिया, बोला अब दिख रहा है? बोला अभी भी नहीं। उसने फिर तीसरा डाला, बोला अब? बोला अभी भी। चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवा नहीं, आठवा, जितनी ट्रे थी सारे डाल डाली, अब कह रहा नहीं। तो जो चेक कर रहा था उसने बोला नहीं पढ़ा जा रहा? कह रहा नहीं। बोला पढ़े भी हो? तो बोला नहीं, इसलिए तो पढ़ा नहीं जा रहा। तो बोला यहां क्या करने आए हो? तो बोला हमको लगा चश्मा लगाने से दिखता है। उसको बोला चश्मा लगाने से दिखेगा तभी जब पढ़ाई अंदर पहले से होगी, अंदर से होगी तभी दिखाई देगा, अंदर से होगी ही नहीं तो दिखाई, मैं चाइनीज लैंग्वेज लिख दूं यहां, चाइनीज कुछ चाइनीज चींचू चाँ चाँ चूं है ऐसा कुछ लिख दूं तो तुम पढ़ पाओगे क्या? जबकि तुमको दिखता भी है, परफेक्ट नजर आता है, चाइनीज लैंग्वेज पढ़ पाएंगे? अरबी लैंग्वेज
यानी पढ़ भी वही पाएंगे जो ज्ञान पहले अंदर होगा ना, जो होगा ही नहीं उसको भी नहीं पढ़ा जा सकता। बाहर बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लोग तोपें लेके खड़े हैं बाहर और चट्टी में बम लगाने वाले हैं तुम्हारी।